જિલ્લાના સંખેશ્વર તાલુકાના લોલાડા ગામમાં આવેલા 900 વર્ષ જૂના નાગણેશ્વરી ગૌસેવા આશ્રમના મહંત શ્રી શિવાનંદજી બાપુ સનાતન ધર્મ પરિષદ ભારત રાષ્ટ્રીય સંગઠન મંત્રી ગુજરાત તેમજ હર્ષદ ભારતી મહારાજ શ્રી પંચદશનામ જૂના આખાડા નાસિક અને લોલાડાના શ્રી મનુભા બાપુ સાથે અન્ય સંતો તેમજ અન્ય ભક્તો માંડીને મહારાષ્ટ્ર પાલઘર સાધુ હત્યાકાંડમાં 168 દિવસ થયા છે, તો પણ મહારાષ્ટ્ર સરકારે અત્યારે પણ કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. એટલે સાધુ સંતો ભેગા થઈને ભારતના અલગ અલગ રાજ્યમાં જઈને કરાયું રેલીનું આયોજન, અને બધા સંતોનો એક જ ઉદ્દેશ છે, સરકાર શ્રી અમારી વાતો સાંભળે અને અમને ન્યાય આપે તેવી અમારા સાધુ સંતોની અરજી છે. સરકાર શ્રીના નિયમ અનુસાર સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ધ્યાનમાં રાખીને રેલીનું આયોજન કરાયું હતું. જાડેજા દિલીપસિંહ. पालघर साधु हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करने के लिए हम अलग अलग क्षेत्र में पूरे भारत में घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और संतों को न्याय मिले. आज हम यहां पे पाटन जिले के शंखेश्वर तालुके के लोलाड़ा गांव में नागेश्वरी महादेव मंदिर के सानिध्य में आज साधु संत इकट्ठे हुए, आंदोलन किया है और सीबीआई जाँच करने की मांग करने के लिए हम गुजरात सरकार से निवेदन करते हैं कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और गुजरात के माध्यम से आज केंद्र सरकार तक आप हमारी आवाज़ पहुंचाएं, यही निवेदन करते हैं. इसलिए हमने आंदोलन किया है यहाँ पे. और पालघर साधु हत्याकांड में आज 168 दिन हो गए, फिर भी हमारे संतों को न्याय नहीं मिला है. और भी अलग अलग क्षेत्रों में साधु संतों की हत्याएं हो रही है. अभी 2 दिन पहले हत्या हुई है और भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो साधु संतों के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है. उनको रोकने के लिए, उनके लिए साधु संतों को कोई सुरक्षा दे, सुरक्षा न्याय दे. कोई भी साधु संतों को अभी तक न्याय मिला? अभी कम से कम 6 महीने के अंदर कम से कम 10-12 साधु और भी मारे गए हैं. किसी को कोई न्याय नहीं मिला. किसी के आरोपियों को छोड़ा जा रहा है. आरोपियों को ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है. और हमारे वहाँ पे जो ये पालघर हत्याकांड में जो हमारे महाराष्ट्र सरकार है, उनको भी ध्यान नहीं दे रही है. केंद्र सरकार को भी कुछ ध्यान नहीं दे रहा. हमारे प्रधानमंत्री जी ने को भी उनके इसमें भी कोई संज्ञान नहीं दिया. गृहमंत्री ने भी नहीं दिया. नरसिंह ने भी कुछ अभी तक कुछ दो ट्वीट भी नहीं किया इन मुद्दे पे. हम भारत के नागरिक हैं और हमें भी, हम भारत के नागरिक में भारत में रहते हैं, हमें भी सामान्य नागरिक के जितना हमें मिले इसी आंदोलन किया है. और आज ये गाँव में सीबीआई जांच करने की मांग कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से.